करीब एक साल से चल रहे रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मॉस्को ने दावा किया कि यूक्रेन ने दो ड्रोन के जरिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद मॉस्को ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन ने क्रेमलिन पर निशाना साधने की कोशिश की। वहीं रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन की हत्या के उद्देश्य से क्रेमलिन पर ड्रोन हमले की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी रूसी समाचार एजेंसी ने दी।